वाटर एनिमल्स। हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है वाटर एनिमल्स। ठीक है, आप अभी तक अपने बच्चे को डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बता दिए होंगे, बट आज का टॉपिक हमारा है वाटर एनिमल्स, मतलब पानी वाले जानवर हमारे कौन कौन से होते हैं। वाटर एनिमल्स मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो वाटर एनिमल्स मीन्स क्या होता है ये आप अपने बच्चे को बताइए कि वाटर एनिमल हमारा क्या होता है। तो वाटर एनिमल्स को हम कहते हैं पानी वाले जानवर। ठीक है, ये हमारे कौन कौन से जानवर होते हैं चलिए हम देख लेते हैं। हमारे आज के टॉपिक में यही मैंने आपको बताया है कि आप अपने बच्चे को वाटर एनिमल्स के बारे में बताएं ताकि उनको भी नॉलेज हो पाए। तो वाटर एनिमल्स हमारे कौन कौन से हैं देखिए, पहला ये हो गया क्रैब। क्रैब मीन्स क्या होता है? केकड़ा होता है, जिसको हिंदी में हम लोग केकड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पानी में रहता है, हम इसको केकड़ा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हमारा ये क्रैब होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा स्नेल। स्नेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घोंघा जिसे हम बोलते हैं, ये भी हमारा पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा वाटर एनिमल हो गया। फिर सार्क, ये मछली है। ठीक है, ये इसका नाम है सार्क, और काफ़ी तरह तरह की मछलियाँ होती है, सबका नाम अलग अलग होता है, तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की मछलियाँ होती हैं, तो ये इसका नाम है सार्क। ठीक है, और एक नीचे ये देखेंगे आकृति इनकी अलग अलग होती है, मतलब कि इनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इनके नेम अलग अलग होते हैं मछली के। तो इनका नाम है सार्क, ये देखिए फिगर में ड्रॉ हुआ है, और ये देखिए डॉल्फिन। देखिए ये तो डिफरेंट लग रहा है कि सार्क किस तरीके की होती है और डॉल्फिन किस तरीके की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ गया हमारा टर्टल। टर्टल मीन्स क्या होता है? हमारा कछुआ होता है। ठीक है, ये भी हमारा पानी के अंदर ही रहता है, तो ये भी हमारा वाटर एनिमल हो गया। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी हमारा वाटर एनिमल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नीचे तो ये भी व्हेल है। व्हेल भी हमारी मछली होती है, बट ये आकार में बड़ी होती है। ठीक है, ये भी देखिए इसकी, इसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो ये भी हमारी जो है मछली है, ये वाटर एनिमल भी, ये वाटर एनिमल के अंडर ये आती है। ठीक है, और फिर ये सील। सील भी हमारा जो है एक तरीके का पानी वाला एनिमल हो गया, वाटर एनिमल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जो है ये देखिए आप यहाँ पे फिश। फिश भी हमारी मछली, जिसको हम बोलते हैं मछली, हम लोग आसानी से जानते हैं फिश में होते हैं मछली, तो ये जो है ये हमारी नॉर्मल सी जो मछलियाँ होती हैं उसको हम कहते हैं फिश। ठीक है, फिर ये इल हो गया। इल मीन्स क्या होता है? ये भी एक तरीके की मछली होती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम स्नैक की तरह हमको लग रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं बाम मछली। ठीक है, तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है बाम मछली। ठीक, तो ये हमारा एक तरीके से ये भी हमारी मछली हो गई, ये भी वाटर एनिमल हो गया। फिर यहाँ पे है फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है? हमारा मेंढक होता है, जिसे हम मेंढक बोलते हैं, तो ये हमारा हो गया फ्रॉग। ठीक है, फिर इसको जो है ये भी पानी के अंदर ही रहता है हमारा। फिर ये स्टार फिश है, देखिए ये इसकी आकृति देखिए, तो ये जो है स्टार की तरह बनी हुई है, ये भी हमारी स्टार फिश हो गई। ठीक, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सी हॉर्स, देखिए पानी वाला घोड़ा जिसे हम कहते हैं, तो इस तरीके का वो होता है, जिसे हम सी हॉर्स बोलते हैं। ठीक है, प्राउन। प्राउन मीन्स क्या होता है? झींगा जिसको कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा झींगा। अब ये देखिए खतरनाक, सबसे खतरनाक जानवर पानी वाला, वाटर एनिमल का सबसे खतरनाक जानवर है ये क्रोकोडाइल। ठीक है, ये जो है आप क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ। ये सारे एनिमल्स के नेम आप अपने बच्चे को बता सकते हैं, और ये बुक के थ्रू आसानी से आप उनको बॉडी, उनकी बॉडी को भी दिखा सकते हैं, ताकि उन्हें जब वो आगे पढ़ाई करें तो उन्हें समझ में आए कि कौन कौन से उनके वाटर एनिमल्स होते हैं। तो इतना तो आप नॉर्मली अपने बच्चों को घर पे भी बता सकते हैं, स्कूल में नहीं, घर में भी आप आसानी से अपने बच्चों को वाटर एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स के नेम आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज बी हैप्पी, एंड अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।